दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है तब से हम इंसानों को ऐसा लगता है कि दुनिया के सभी जीव में से हम इंसान ही बेहतर और सुंदर जीव है। हमने कई बार ऐसा सुना होगा कि हम इंसान दुनिया के सभी जीवों में श्रेष्ठ है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम इंसान दुनिया के सभी प्राणियों से बुद्धिमान है लेकिन ताकतवर नहीं, क्योंकि कुदरत ने समय समय पर ऐसे बहुत सारे जीव तैयार किए थे जो हमसे कई गुना शक्तिशाली होते थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं, जो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होते थे, जिसके बारे में जानकर आप भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि अच्छा है ये सब जीव अभी नहीं है। टाइटेनोसॉर। अगर पृथ्वी पर रहे सभी जीवों की बात करें तो यह सबसे बड़ा जीव था। इसकी लंबाई 200 फुट तक होती थी और इसका वजन 120 टन के करीब रहता था। यह डायनासोर सभी डायनासोर से बड़ा था, लेकिन इससे कोई भी खतरा नहीं था क्योंकि यह शाकाहारी था। लेकिन अगर इसको गुस्सा आ जाए तो यह हमारे आसपास सब कुछ तबाह कर सकता था। टाइटेनोबोआ। हम सबको पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो हम सभी एक ही जवाब बताएंगे कि एनाकोंडा। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। यह वजन और आकार दोनों में ही एनाकोंडा से बड़ा था। इसकी लंबाई 42 से 50 फीट, चौड़ाई करीब 4 फीट और वजन करीब 1500 किलो के आसपास होता था। यह बड़ी ही आसानी से मगरमच्छ को एक ही बार में निगल सकता था। यह करीब 60 लाख साल पहले ब्राजील और कोलंबिया के वर्षावनों में राज किया करता था। स्पाइनासोरस। अगर मांसाहारी जीवों की बात करें तो ये 10 करोड़ साल पहले खत्म हो चुके स्पाइनासोर सबसे बड़े और खूंखार जीव था, जो कि अफ्रीका के जंगल में पाए जाते थे। यह जानवर 60 फुट तक ऊंचा हो जाता था और इसका वजन करीब 25,000 किलोग्राम के आसपास होता था। इसको अपना पेट भरने के लिए करीब 2 से 3 टन तक का मांस चाहिए था। यह बेहद ही स्फुर्तीला और दौड़ने में काफी फास्ट था। यह ज्यादातर नदियों के आसपास रहता था और नदी में रहने वाले जीव जैसे कि मगरमच्छ और मछलियों को खाता था। पैरासेराथेरियम। पैरासेराथेरियम बिल्कुल गेंडे की तरह ही दिखता था और इसकी चमड़ी भी गेंडे की तरह ही सख्त और मोटी हुआ करती थी। यह पृथ्वी के इतिहास में सभी स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ा था, जो करीब 2.5 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो गया था। इसकी ऊंचाई 25 फीट से भी ज्यादा होती थी और इसकी लंबाई करीब 30 फुट के करीब होती थी। वहीं इसका वजन 25 से 30 टन के आसपास होता था। यह जानवर बिल्कुल शांत और शाकाहारी था, लेकिन नाराज होने पर यह पेट तक को गिरा देता था। यह ज्यादातर एशिया, यूरोप और अमेरिका में पाया जाता था। क्वेट्ज़ोकोटल्स। यह उड़ने वाला डायनासोर में सबसे बड़ा था। इसके पंखों की लंबाई 7 फीट के करीब हुआ करती थी। इसका जबड़ा बहुत ही मजबूत था। यह किसी हाथी जैसे कदावर जानवर को भी पकड़ के उड़ सकता था। यह बेहद ही तीव्र गति से आसमान में 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। मेगालोडॉन मछली। यह एक शार्क प्रजाति की मछली थी जो आज से करीब 20 लाख साल पहले समुद्र में राज किया करती थी। जानकारी के मुताबिक इस मछली की लंबाई 80 फुट के आसपास हुआ करती थी और यह पूरी तरह से मांसाहारी थी, जो पल भर में वेल को भी मार सकती थी। जंगल के राजा शेर की तरह यह भी समुद्र की रानी हुआ करती थी और ऐसे कोई भी समुद्री जीव नहीं था जो इस शार्क से टक्कर ले सके। इसके जबड़े की लंबाई करीब 8 फुट थी, जो एक हाथी जैसे बड़े जानवर को भी आसानी से एक ही बार में निगल सकती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।